3 BHK हाउस प्लान, 900 स्क्वायर फीट हाउस प्लान, एंड 900 का मतलब है यहाँ पर 30 फीट, एंड दिस साइड 30 फीट, ओके। एंड नाउ स्टार्ट, तो स्टार्ट करने से पहले आउटसाइड का जो वॉल 5 इंच वॉल, यहाँ पर हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। इनसाइड पार्टीशन वॉल यहाँ पर हम हाईलाइट करेंगे, यहाँ पर इनसाइड पार्टीशन वॉल यहाँ पर भी हाईलाइट करेंगे, यहाँ पर इनसाइड पार्टीशन वॉल यहाँ पर, ओके। एंड नाउ यहाँ पर आउटसाइड वॉल, ओके, यहाँ पर वॉल, नेक्स्ट इधर आउटसाइड वॉल, ओके, नेक्स्ट आउटसाइड वॉल, ओके। एंड नाउ दिस इज इनसाइड पार्टीशन वॉल एंड दिस इज इनसाइड पार्टीशन वॉल। तो इसमें वॉल के साथ साथ हम विंडो और वेंटिलेशन पोजीशन इसमें प्रोवाइड किया है, ओके, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे इसका हम जो यहाँ पर विंडो, ओके, तो मार्कर से हम विंडो का पोजीशन और इसका रेलिंग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे ऐसे। उसके बाद हम 3D दिखाएंगे एंड में, प्लान देखने के बाद आपको 3D देखना है, उसके बाद आपको अच्छा सा एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे इसका डोर 2 फीट 6 इंच वाइड डोर, ओके, 2 फीट 6 इंच वाइड डोर, एंड डोर के साथ साथ हम इसका वाइड 3 फीट वाइड डोर, एंड बेडरूम का डोर 3 फीट वाइड डोर, किचन का डोर 3 फीट वाइड डोर, बेडरूम का डोर 3 फीट वाइड डोर, ओके। एंड नाउ उसके बाद यहाँ पर जो घर के अंदर जाने का जो डोर, यहाँ पर हमने तो क्लब्सिबल गेट का पोजीशन यहाँ पर रखा है, ठीक है, यहाँ पर गेट 4 फीट 6 इंच वाइड का गेट, ओके। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो है इसका एंट्री, यहाँ पर डाइनिंग प्लस ड्राइंग डोर किचन डोर बेडरूम ओके डोर बेडरूम डोर टॉयलेट डोर बाथ प्लस लैट्रिन वॉश एरिया, ओके, यहाँ पर वॉश, नेक्स्ट डोर इधर बेडरूम एंड स्टेयर अप एंड डाउन, ओके, सिंस लैंडिंग के अंदर एक यहाँ पर हमने ट्रेड राइज रखा है, ठीक है। इसका लेंथ 10 फीट 4 इंच एंड 16 फीट 9 इंच, किचन 7 फीट एंड 10 फीट विथ, ओके, एंड वॉश एरिया 3 फीट 6 इंच वाइड, बाथ 5 फीट 0 इंच, टॉयलेट 5 फीट 0 इंच, एंड दिस साइड 6 फीट 0 इंच, एंड दिस साइड 8 फीट 5 इंच, ओके। नेक्स्ट बेडरूम 12 फीट 4 इंच एंड नेक्स्ट
12 feet 0 inch. Okay, next 11 feet 0 inch and next 12 feet. And landing 3 feet wide and 6 feet 4 inch. And total distance 8 feet 4 inch. And bedroom 11 feet 0 inch and this side 10 feet. Okay, तो इसमें आपको 30 फीट इंटू 30 फीट इज इक्वल टू 900 स्क्वायर फीट का हाउस बिल्डिंग प्लान मिलेगा. टोटल बिल्डिंग कॉस्ट आपको मिलेगा यहाँ पर 13 लाख प्लस. ओके, इसमें हम कॉलम भी दिखाएंगे. उसके बाद 3D आप देखिए, 3D हमने करके यहाँ पर रखा है. आप 3D को देखिए, आपको अच्छा सा एक और भी अच्छा सा पूरा नॉलेज आ जाएगा कहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ रखना है. ठीक है, उसके बारे में आपको अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आएगा कॉलम. यहाँ पर प्रोवाइड किया है कॉलम जो है यहाँ पर 10 इंच इंटू 12 इंच और यहाँ पर 5 इंच वॉल. ओके, तो 3D देखिए, उसके बाद आपको अच्छा सा नॉलेज आएगा. देखिए 3D में हम जैसे करते हैं 8 फीट 6 इंच हाइट तक इसको लेंगे, उसके बाद हम इसको बाद में इसको देखेंगे. उसके बाद इसका जो डोर है उसका पार्ट हम यहाँ पर सेट करेंगे. चलिए डोर सेट करते बाद आपको साथ शेयर करते बाकी डिटेल्स. यहाँ पर डोर मार्क करने के बाद हम यहाँ पर डोर का जो पोजीशन है, यहाँ पर कहाँ से डोर से बाहर जाना है अंदर से, तो उसका पोजीशन यहाँ पर हम देखिए ऐड कर दिया है. तो आपको डोर दिखाई देगा जो है 3 फीट बाई 7 फीट का हाइट का डोर, 2 फीट 6 बाई का डोर होगा. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर वॉशरूम भी रखा है जो यहाँ पर आपने दिखाया था 2D में. तो उसके बाद चलिए इसका हमने विंडो का पोजीशन ऐड करके आपके साथ शेयर करते विंडो का पोजीशन. हाँ, विंडो यहीं पर हमने मार्क करके उसको भी हम विंडो यहाँ पर देखिए प्रोवाइड करेंगे. जैसे विंडो है ऐसे विंडो हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे. उसके बाद हम इसका विंडो के बाद इसका जो स्टेयर वो भी हम यहीं पर प्रोवाइड करेंगे. तो उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे उसका डिटेलिंग जो है. यहाँ देखो विंडो और यहाँ पर वेंटिलेशन जो है टॉयलेट और वॉशरूम के अंदर. तो फॉन्ट से देखिए इस टाइप का फॉन्ट आएगा इसका. ठीक है, चलिए उसको हमने ऐड करते हैं यहाँ पर जो है इसका डिटेल. ठीक है, टॉप से कुछ आपको इस टाइप का दिखाई देगा प्लान, फॉन्ट से इस टाइप का दिखाई देगा. तो इसमें जो पार्ट है देखिए यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है यहाँ पर, और इसमें जो विंडो अभी आपको दिखाई देगा. चलिए इसके बाद हम विंडो का डिटेल्स, डोर और फर्नीचर लेआउट आपके साथ शेयर करते हैं. स्टेयर 3 फीट वाइड स्टेयर. ओके, देखिए इसमें 3 फीट वाइड स्टेयर. नेक्स्ट पार्ट इधर से ऊपर आ जाएगा. तो इधर हम क्या करेंगे, स्टेयर का जो स्लैब इसका जो लैंडिंग हम यहाँ पर ऐसे प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, तो स्टेयर कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रंट में हमने जो यहाँ पर विंडो रखा है, डोर रखा है, उसका भी हमने कुछ पार्ट यहाँ पर ऐड किया. थोड़ा सा हमने मास्क इधर से बाहर लेकर आया है जो देखिए मास्क देखने को बहुत अच्छे लगेगा प्लान में. तो उसके बाद हम इसके अंदर हम प्रोवाइड करेंगे अभी इसका जो है फर्नीचर. ओके, फर्नीचर का मतलब क्या है देखिए, इसमें देखिए इसमें फर्नीचर हमने प्रोवाइड किया है. घर के अंदर आने के बाद यहाँ पर 2 सोफ़ा, यहाँ पर डाइनिंग टेबल, उसके बाद देखिए यहाँ इधर से टॉयलेट, इधर अंदर से टॉयलेट बात, इधर एक वॉश बेसिन, इधर रहेगा स्टेयर ऊपर जाने के लिए, इधर 3 बेडरूम. ओके, तो 900 स्क्वायर फीट का अंदर हमने एक 3D बनाया है आपके साथ शेयर किया है. उसके बाद इसका देखिए इस टाइप का दिखाई देगा. तो चलिए इसको हमने अभी एंड करते इसका प्लानिंग. और प्लानिंग और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर देना, फ्रेंड के साथ शेयर कर देना. और आप किस टाइप का वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट करके मुझे भेजना. ठीक है, तो चलिए इसको हमने एक बार एंड करते चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर.